आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल वसीकरण टोटका, जिसकी मदद से आप किसी को भी वश में करके अपने मन की बात उससे बना सकते हैं। यह टोटका सरल होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है और अचूक भी है। अचूक इसलिए है कि अगर आप यह एक बार टोटका कर देते हैं तो उसका फल आपको निश्चित रूप से जरूर मिलता है। टोटके को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं जिनके अभाव में आप ये टोटका नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो जानते हैं आज के हमारे शक्तिशाली टोटके के बारे में। सबसे पहले आपको एक सफेद कागज लेना है, फिर कागज पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, फिर उसके नीचे इस मंत्र को लिखना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कली कली मम वसम आ वसम था वसम सु सा वसम स्व। इस मंत्र को फिर से जाप करके बताता हूँ ताकि आपको टोटका करने में कोई परेशानी ना हो। मंत्र इस प्रकार है, ओम कली कली मम वसम आ वसम था वसम सु सा वसम स्व। मंत्र लिखने के बाद इसका 51 बार जाप भी करना है। मंत्र जाप के बाद कागज को फोल्ड करके उस व्यक्ति के घर के बाहर जला दें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। ऐसा करते ही 24 घंटे के अंदर वह व्यक्ति आपके वश में होगा, जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेगा। यह टोटका आपको शनिवार और मंगलवार दोनों में से एक दिन करना है, किसी भी दिन आप कर सकते हो, और रात्रि के 9 बजे करना है। शनिवार और मंगलवार दोनों में से एक दिन रात्रि को 9 बजे करना है। वहां से देखकर भी आप ये विधि कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि अगर आप टोटका करते हैं और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो आप गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, या फिर अगर आपकी और भी कोई समस्या है उसका समाधान भी आप गुरुजी से संपर्क करके करा सकते हैं। गुरुजी के नंबर वीडियो के अंत में दिए गए हैं, वहां से गुरुजी के नंबर लेके आप उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने इष्ट मित्र परिवारजन में जरूर शेयर करें। जय माँ काली भक्तों।